सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे प्रीवियस जो मेरा वीडियो आया था वो बायोफर्टिलाइज़र के ऊपर था, जिसमें मैंने पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं किया था। तो हम जहाँ से उस वीडियो को छोड़ा था वहीं से हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो बायोफर्टिलाइज़र है उसके एप्लीकेशन मेथड जो थे वो मैंने वहाँ उस वीडियो में नहीं डील किए थे। तो आज हम देखेंगे कि हम किस किस वे में एप्लीकेशन कर सकते हैं बायोफर्टिलाइज़र्स का। तो देयर आर बेसिकली तीन मतलब वे रहते हैं जिसके द्वारा हम जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग या फिर फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन करते हैं क्रॉप में या सॉइल में। तो पहला रहता है सीड ट्रीटमेंट, सेकेंड मेथड है रूट डीपिंग करते हैं, एंड थर्ड मेथड है जो सॉइल में एप्लीकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीड ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन मेथड है जो कि मोस्टली हम यूज़ करते हैं जितने भी टाइप्स के इनोकुलेंट रहते हैं उसको एप्लीकेशन करने के लिए। तो द सीड ट्रीटमेंट इज़ इफ़ेक्टिव एंड इकोनॉमिक, ये इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं रहता और बहुत प्रभावी भी रहता है। सीड ट्रीटमेंट जो रहता है इसमें हम किस किस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, तो राइजोबियम को यूज़ कर सकते हैं, एजिटोबैक्टर को यूज़ कर सकते हैं, एजोस्पिरिलम को एज अ सीड ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, अलॉन्ग विद द फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनका भी यूज़ करते हैं। सीड ट्रीटमेंट में क्या होता है, ये जो रहता है एक या एक से ज़्यादा बैक्टीरिया को मतलब कॉम्बिनेशन करके भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इंपॉर्टेंट थिंग हैज़ द सीड मस्ट बी कोटेड फर्स्ट विद द राइजोबियम और एजिटोबैक्टर और एज स्पिरुलिनम। व्हेन ईच सीड गेट अ लेयर ऑफ अबो बैक्टीरिया देन द पीएसएम इनोकुलेंट हैज़ टू बी ट्रीटेड ऑन आउटर लेयर ऑफ द सीड। जो भी सबसे पहले हमको मतलब बैक्टीरिया को करना है उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पीएसएम है उसके इनोकुलेंट को आउटर लेयर में कोट करेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले जैसे यहाँ पर तो हम सबसे पहले क्योंकि हम ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोफर्टिलाइजर से ट्रीटमेंट कर रहे हैं सीड का, इसलिए सबसे पहले सीड कोटिंग किससे कर रहे हैं, राइजोबियम या बैक्टीरिया से कर रहे हैं। बट जब हमको फंगीसाइड से भी करना है और बैक्टीरिया से भी करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफआईआर मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फंगीसाइड से कोटिंग करेंगे। मान लो हम इंसेक्टीसाइड भी लगा रहे हैं तो एफ यूज़ कर लिए हमने फंगीसाइड, देन हम आई यूज़ करेंगे दैट इज़ द इंसेक्टीसाइड का कोटिंग करेंगे, और लास्ट में हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि है राइजोबियम जिसका हम यूज़ कर रहे हैं मान लो, तो हम आर जो है वो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लास्ट में कोटिंग करेंगे। अगर हम पहले ही राइजोबियम कोट कर देंगे फिर फंगीसाइड वो लगाएंगे तो क्या होगा, जो कीड़े जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो तो डेथ हो जाएंगे ना, तो उसका तो कोई इफेक्ट हमारे सॉइल पे दिखेगा ही नहीं। तो एफआईआर मेथड यूज़ करेंगे। दिस मेथड विल प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर बेटर रिजल्ट। ठीक है, तो ये मेथड क्या करता है, सबसे ज़्यादा मतलब हमको जितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो रहती है बैक्टीरिया की वो प्रोवाइड करता है और उससे हमको रिजल्ट भी बेटर मिलता है। मिक्सिंग द एनी ऑफ टू बैक्टीरिया एंड द ट्रीटमेंट ऑफ सीड विल नॉट प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑफ इंडिविजुअल। तो मतलब जो मिक्स करते हैं हम दो या दो से अधिक बैक्टीरिया या जो ट्रीटमेंट्स हैं सीड का वो इतना मैक्सिमम हमको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता जितना कि जो हम अगर इंडिविजुअल यूज़ करेंगे किसी भी बैक्टीरिया को तो हमको जितना मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड मेथड इज़ द रूट डीपिंग मेथड। इन दिस मेथड एप्लीकेशन ऑफ एजोस्पिरिलम विद द पैडी और सम वेजिटेबल प्लांट्स मतलब जो रहते हैं उसमें ये मेथड बेसिकली यूज़ किया जाता है, जो कि यूज़ किया जाता है एजोस्पिरिलम के साथ पैडी हैं और वेजिटेबल क्रॉप है उसमें रूट की जो है डीपिंग की जाती है। तो ये मेथड ऐसे क्रॉप्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ जो एजोस्पिरिलम हैज़ बीन मिक्स विद द 5 to 10 liters ऑफ वाटर इट अ वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड एंड ऑल द प्लांट्स हैव टू केप्ट फॉर मैक्सिमम हाफ एन आवर बिफोर सोइंग। सिंपल आप समझ गए, इसको कोई समझाने की नीड नहीं है। हम जो अपना फील्ड का कॉर्नर पे एजोला को 5 to 10 liters पानी के साथ मिक्स कर लेंगे एंड हम सोइंग के आधा घंटा पहले मतलब सोइंग के एक या आधा घंटा पहले डीप करके रखेंगे 1 to 1.5 hours के लिए जो रूट्स हैं जो हमारे जिसकी हमको सोइंग करनी है उन पर्टिकुलर क्रॉप्स को, उसके बाद हम उसको सोइंग कर देंगे। थर्ड जो मेथड है वो है सॉइल एप्लीकेशन। तो सॉइल एप्लीकेशन में क्या होता है, जो भी पीएसएम है रहते हैं मतलब फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग या मोबिलाइजिंग जो भी बैक्टीरियाज हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं एज अ सॉइल एप्लीकेशन के रूप में। तो हम क्या करते हैं,
2 केजीज ऑफ पीएसएम पर एकर के हिसाब से यूज़ करते हैं, या फिर हम मिक्स करते हैं पीएसएम विद 400 to 600 केजीज ऑफ काउडंक गोबर अलॉन्ग विद द हाफ बैग ऑफ रॉक फॉस्फेट इफ़ अवेलेबल। तो ज़रूरी नहीं है ये हाफ जो बैग है रॉक फॉस्फेट का अगर अवेलेबल है तो यूज़ करिए, अदरवाइज आप पीएसएम और 400 से 600 किलो गोबर की खाद गोबर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। द मिक्सचर जो है पीएसएम या फिर काउडंग का एंड रॉक फॉस्फेट का हैव टू बी केप्ट अंडर एनी ट्री शेड और सेलिंग फॉर ओवरनाइट एंड मेंटेन द 50% मतलब उसका मॉइस्चर। तो ये जो हमने मिक्स किया ये चीज़ों को हम क्या करेंगे एक रात के लिए जो सैडी कंडीशन है सैड पोर्शन है वहाँ पर रखेंगे, जिससे कि उसमें धूप जो है वो ना पड़े और वहाँ का मॉइस्चर जो है हम 50% तक उसका मॉइस्चर मेंटेन रखेंगे। तो ये यूज़ द मैक्स सॉरी जो फिर ये मिक्सचर रहता है उसको हम एज अ सॉइल एप्लीकेशन के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये जो यूज़ करते हैं हम ये रो में यूज़ करते हैं या फिर जब हम सॉइल की लेवलिंग करते हैं उस दौरान यूज़ करते हैं। तो ये जो है एक मेथड है सॉइल एप्लीकेशन का। अब प्रिकॉशंस हम तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, क्योंकि हर चीज़ का प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि जो बायोफर्टिलाइज़र के जो पैकेट्स हैं क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसलिए आप उसको डायरेक्टली सनलाइट या हीट के कॉन्टेक्ट में मत रखिए, उसको स्टोर करना है हमको बायो पैकेट्स को कूल एंड ड्राई प्लेस में और हमको राइट कॉम्बिनेशंस जो हैं वही यूज़ करने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसके साथ मिला दें अपने मन से, ऐसा नहीं, जो रिकमेंडेड है वही यूज़ करने हैं। राइजोबियम जो रहता है क्रॉप स्पेसिफिक है तो इसलिए उसको हम केवल स्पेशल जो क्रॉप्स हैं या स्पेसिफाइड जो क्रॉप हैं उसी में यूज़ करते हैं, ठीक, नॉट मिक्स विद केमिकल्स। केमिकल के साथ मिक्स कर रहे हैं तो फिर FIR मेथड यूज़ करना है, ऐसे जनरली तो मिक्स करना नहीं है आपको। यूज़ द पैकेट बिफोर एक्सपायरी ओनली ऑन द स्पेसिफाइड क्रॉप बाय द रिकमेंडेड मेथड जो कि मैंने आपको बताया। एडवांटेजेस हैं कि बायोफर्टिलाइज़र के कि ये जो रहते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, सस्टेन करते हैं सॉइल की हेल्थ को, सप्लीमेंट केमिकल फर्टिलाइज़र मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र की नीड हमारी कम हो जाती है, रिप्लेस 20-30% केमिकल फर्टिलाइज़र, इंक्रीज द ग्रेन यील्ड 10-40%, डिकम्पोज द प्लांट रेसिड्यूज एंड स्टेबलाइज द जो है कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ द सॉइल, इम्प्रूव टेक्सचर स्ट्रक्चर एंड वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी रहती है सॉइल की, उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट या मतलब गलत प्रभाव नहीं पड़ता प्लांट के ग्रोथ एंड सॉइल की जो क्षमता है फर्टिलिटी की उर्वरकता क्षमता है उस पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और ये स्टिमुलेट करता है प्लांट के ग्रोथ को बाय द सिक्रेटिंग सम ग्रोथ हार्मोन, आल्सो सिक्रेट द फंगिसाइटिक या एंटीबायोटिक लाइक सब्सटेंस। तो इससे क्या होता है कि डिसीज़ और इंसेक्ट का भी अटैक कम हो जाता है। ये सॉल्युबलाइजिंग एंड मोबिलाइजिंग करता है न्यूट्रिएंट को जो कि अवेलेबल नहीं हो पाते हैं प्लांट को अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो, और इको फ्रेंडली एंड नॉन पॉल्यूटेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, कोई मतलब प्रदूषण नहीं हो रहा है इससे, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इको फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता भी है, कम पैसे में अच्छा हमको यील्ड मिल जा रहा है। तो ये जो मेथड है ये यूज़ किए जाते हैं बेसिकली फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बायोफर्टिलाइज़र के लिए, और ये एडवांटेज है बायोफर्टिलाइज़र का। कुछ डिसएडवांटेज ये हैं कि ये जो रहता है बायोफर्टिलाइज़र में हमको थोड़ा लॉन्ग टर्म केयर करनी पड़ती है जब हम स्टोरेज किए रहते हैं, क्योंकि एक जीवित जंतु हैं, ठीक है, जीवित ऑर्गेनिज्म है, मस्ट बी यूज बिफोर दे एक्सपायर मतलब एक्सपायर होने से पहले इनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ द अदर ऑर्गेनिज्म कंटामिनेट द कैरियर मीडियम और इफ़ ग्रोवर्स यूज द रॉन्ग स्ट्रेन दे आर नॉट एज इफ़ेक्टिव, मतलब कंटामिनेट नहीं होना चाहिए वो मीडियम, जिससे कि अगर कंटामिनेट हो जाएगा तो हमको वो सही रिजल्ट अवेलेबल या नहीं हो पाएगा। बायोफर्टिलाइज़र लूज देयर इफेक्टिवनेस इफ़ द सॉइल इज़ टू हॉट और ड्राई, मतलब डायरेक्टली बहुत गर्म सॉइल है या बहुत हॉट सॉइल है तो वो अपना उतना इफेक्ट नहीं छोड़ पाते प्लांट में या सॉइल में। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं क्योंकि हर चीज़ के कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। तो आज के वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो का मैंने पोर्शन कुछ छूटा हुआ था वो कंप्लीट करा दिया है, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आ जाएगा। सो वीडियो आप देखते रहिए और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।